चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की, जहाँ के त्योहारी सीजन के चलते बाजार में मिठाई की दुकानों में भीड़ लगी हुई है, लेकिन ऐसे में शहर के बड़े नामी ग्रामीण मिठाई के दुकानदार आपको मिठाई के नाम पर क्या बेच रहे हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बड़ी मुखानी श्री जी विहार कॉलोनी के ठीक सामने मौजूद एक खस्ता हाल भवन की है, जहाँ शहर की एक जानी मानी मिष्ठान भंडार के लिए मिठाई तैयार हो रही है। एमके न्यूज़ की टीम ने जब लोगों की शिकायत पर यहाँ पर निरीक्षण किया पहुँचा, तो पाया कि एक टूटे खंडहर नुमा भवन में मिठाई बनाने का कार्य चल रहा है। आसपास गंदगी का अंबार लगा है, प्लास्टिक की दूध की थैलियों चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, जिनमें मक्खियाँ और मच्छर बैठे हैं। हालांकि इधर उधर लोगों की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने मामले में शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ज्ञान में आया है कि पीली कोठी के आसपास कोई खुले में मिठाई बना रहा है, तो इसको हम अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बेचकर दिखवा लेंगे, और अगर इस तरह की कोई बात है, कोई मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो मौके पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।